हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 8। ये अगली हेडिंग है आपका, संक्रमण धातुओं के परमाण्विक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन। इससे पहले आप संक्रमण धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़े थे। अब देखिए, आप संक्रमण धातुओं के परमाण्विक एवं आयनिक आकारों में परिवर्तन के बारे में, तो ध्यान से समझें। सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ, ठीक है, जैसे जैसे 3D, 4D, 5D, 6D आप पढ़े हैं श्रेणी, तो श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में उत्तरोत्तर कमी होती है। जैसे जैसे इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, आयनिक त्रिज्याओं के मान में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ध्यान से देखें, यह ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, यह आपका 3D सीरीज है, रेड कलर से दिखाया गया है। यह ब्लू कलर है आपका, 4D सीरीज है, और यह आपका ग्रीन कलर है जो आपका 5D सीरीज है। ठीक है, तो यह आपकी त्रिज्या दी गई है, इस पर त्रिज्याओं को दिखाया गया है, और यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे आप तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परमाणु क्रमांक जो है इसका जो है स्कैंडियम है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यह त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले आप देख रहे हैं इसका मान जो है 16 नैनोमीटर है, और इस तत्व का आप देख रहे हैं घट गया है, 14 नैनोमीटर है। तो ऐसे ऐसे आप परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है, आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। किसमें? 3D सीरीज में। 4D 5 में देखें तो 4D और 5D सीरीज में जब आप देखेंगे तो इसमें भी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, आयनिक त्रिज्या का मान घट रहा है। ठीक है, बीच में जो है सबसे ज्यादा कमी हो रही है आयनिक त्रिज्या में, फिर जो है थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, फिर ग्राफ ऊपर जा रहा है, अर्थात बढ़ रहा है। तो आयनिक त्रिज्या के मान में जो कमी हो रही है वह सबसे ज्यादा 3D में हो रही है। 4D और 5D में आप देखो तो यह दोनों ग्राफ लगभग नजदीक हैं। 4D और 5D में दोनों ग्राफ लगभग नजदीक हैं। इसमें जो त्रिज्या में कमी हो रही है वह इन दोनों में तुलना किया जाए तो बहुत कम हो रही है, क्योंकि इनमें गैपिंग कम है। ठीक है, तो यह जो है लेंथेनाइड आकुंचन के कारण होता है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण होता है, क्योंकि इसमें जो है 4F में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। ठीक है, 5D भरने से पहले ही इलेक्ट्रॉन किस में भरने लगते हैं, 4F में भरने लगते हैं, जिससे जो है इनकी परमाणुओं की त्रिज्या में कमी आ जाती है, जिसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसलिए इन दोनों में गैपिंग क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन 3D में आप देख रहे हैं गैपिंग 4D और 5D की तुलना में 3D में गैपिंग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसकी त्रिज्या में ज्यादा कमी हो रही है, और इन दोनों की त्रिज्या में 4D 5D की त्रिज्या में बहुत कम कमी हो रही है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, सामान्यतः श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ समान आवेश वाले आयनों की त्रिज्याओं में लगातार कमी होता है। ठीक है, इसका कारण है कि जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है, जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, तो जब भी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हर बार डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वह सब किस ऑर्बिटल में आएंगे, डी ऑर्बिटल में आएंगे। ठीक है, पुनः स्मरण करें कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं, आवेश की मात्रा बढ़ रही है, और त्रिज्या जो है लगातार जो है कम हो रही है। ठीक है, आपको याद होगा कि डी इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, पर्दा जो प्रभाव होता है, वह बहुत कम प्रभावशाली होता है। ठीक है, वह प्रोटॉन के आकर्षण को रोक नहीं पाता है, वह बाहर जाने देता है, डी ऑर्बिटल पर आकर्षण को लगाने देता है। ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है, डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली होता है, अतः नाभिकीय आवेश तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट वैद्युत आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि डी इलेक्ट्रॉन का आवरण प्रभाव कम प्रभावशाली है, अतः नाभिकीय आवेश और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच जो नेट वैद्युत आकर्षण है वह वृद्धि हो जाती है, वह बढ़ जाता है, जिससे प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। ठीक है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच नेट विद्युत आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे आयनी त्रिज्या का मान घट जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो किसी श्रेणी में तो आयनी त्रिज्या के मान में लगातार कमी होती है,
तो इसका कारण आपने देखा कि नाभिकीय आवेश वृद्धि से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डी आर्बिटल में पड़ते हैं और डी आर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो कम प्रभावशाली होता है, अतः नाभिकीय आवेश ठीक है तथा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच जो नेट विद्युत आकर्षण है वह बढ़ जाता है जिससे वह इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है और आयनिक त्रिज्या का मान घट जाता है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति किसी श्रेणी में परमाणुओं की त्रिज्या में भी देखी जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी श्रेणी में अगर देखेंगे तो परमाणु त्रिज्या में भी इसी तरह का परिवर्तन आप देखेंगे, परंतु श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। श्रेणी में त्रिज्याओं के मानों में यह परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है। ठीक है, अगर परमाणु त्रिज्या देखेंगे तो उनमें परिवर्तन क्या होता है श्रेणी में, बहुत थोड़ा होता है। एक रोचक तत्व प्रकाश में तब आता है। ठीक है, आइए देखते हैं रोचक तत्व क्या है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के बारे में। एक रोचक तत्व प्रकाश में तब आता है जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है। ठीक है, तो जब एक श्रेणी की तुलना दूसरे श्रेणी से आप करेंगे तो आपको एक विशेष तत्वों के आकार की तुलना में आपको विशेष जानकारी मिलेगी। जैसे कि चित्र 8.3 के वक्र दर्शाते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग वही हैं जो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की हैं। ठीक है, तो अगर 3D और 4D 5D की तुलना किया जाए तो 3D का आकार जो है बड़ा है, जबकि 4D और 5D का जो आकार होगा वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो 3D का जो परमाणु त्रिज्या है वो अधिक है, जबकि 4D और 5D इन दोनों की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं। ठीक है, आयनिक त्रिज्याएं लगभग बराबर हैं। देखें ध्यान से, ऐसा क्यों होता है? जब किसी विशेष संक्रमण श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना दूसरी श्रेणी के संगत तत्वों के आकार से की जाती है, जैसा कि चित्र 8.3 में आपने देखा कि वक्र दर्शाते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी 4D के संगत तत्वों का बड़ा आकार है। ठीक है, परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्या में लगभग वही है। तो आप देख रहे हैं कि जो 3D का आकार है, ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों का आकार बड़ा है, तो 3D का कम है और 4D का क्या है, अधिक है। 3D का आकार जो है वह कम है क्योंकि इसका ग्राफ जो है रेड लाइन से दिखाया गया जो नीचे है, नीचे है ना, तो इसका परमाणु त्रिज्या, इसकी त्रिज्या क्या है, कम है। लेकिन 4D और 5D की त्रिज्या क्या है, अधिक है। 4D और 5D की त्रिज्या अधिक है, लेकिन 4D और 5D की तुलना किया जाए तो इनके त्रिज्याओं में परिवर्तन बहुत कम है, लेकिन 3D की तुलना, 3D क्या है, परिवर्तन बहुत ज्यादा है और इसका त्रिज्या बहुत इन दोनों की तुलना में कम है। यह क्यों होता है, यह घटना, ठीक है, आकार बड़ा है परंतु तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D के तत्वों की त्रिज्या लगभग वही है जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों की है। यह घटना 4F कक्षकों के बीच में आ जाने के कारण है। ठीक है, तो 4D और 5D की परमाणु की त्रिज्या जो है लगभग समान होने का क्या कारण है, यह कारण यह है कि 4F कक्षक जो हैं बीच में आ जाते हैं। ठीक है, 4F कक्षक जो हैं बीच में आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, इसलिए उनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर हो जाती हैं। यह परिघटना 4F कक्षकों के बीच में आने के कारण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति 5D श्रेणी के तत्वों के D कक्षक में आपूर्ति प्रारंभ होने से पहले होनी चाहिए। ठीक है, 5D में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले जो है वह 4F में इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए, इसलिए जो है 5D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4F में भरने लगता है। ठीक है, 5D कक्षकों से पूर्व 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति के कारण परमाणु त्रिज्या में नियमित कमी होती है, तो 5D से पहले इलेक्ट्रॉन 4F में आने लगते हैं जिससे परमाणु त्रिज्या में नियमित क्या आती है, कमी आती है, और जिसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3D में इलेक्ट्रॉन जाता है, 4D में इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन 5D में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है,
5d से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरने लगता है, जिससे परमाणु त्रिज्या में नियमित कमी होती है, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं, जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुवी आकार में हुई संभावित वृद्धि की क्षतिपूर्ति करता है। ठीक है, तो जो आवश्यक रूप से बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ परमाणुवी आकार में हुई संभावित वृद्धि की कमी को पूरा करता है, क्षतिपूर्ति करता है। लेंथेनाइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण, ठीक है, जो लेंथेनाइड आकुंचन है, जो उसका ओवरऑल इफेक्ट है, उसके कारण देखें ध्यान से, लेंथेनाइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। ठीक है, तो लेंथेनाइड आकुंचन के समग्र प्रभाव के कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के अनुरूप तत्वों की त्रिज्याएं समान हो जाती हैं। जैसे जर्कोनियम का 160 पिकोमीटर है और हाफनियम का 159 पिकोमीटर है। ठीक है, जर्कोनियम और हाफनियम में परमाणु त्रिज्याएं आप देख रहे हैं लगभग समान हो रही हैं, जो क्या है, अलग अलग। ठीक है, एक 4d का है और एक 5d का तत्व है। ठीक है, तो लेंथेनाइड आकुंचन के कारण ओवरऑल इफेक्ट आप देख रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान हो जा रही हैं, तथा इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है। तो 4d और 5d के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण में अधिक समानता पाई जाती है। किसके कारण यह सब होता है? लेंथेनाइड आकुंचन के कारण। लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है? इसमें 5d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, जिससे परमाणु त्रिज्या में नियमित कमी होती है, जिसे लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अत्यधिक समानता पाई जाती है, जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता से भी में भी बहुत अधिक होती है। जो सामान्य जातिगत संबंधों के आधार पर अपेक्षित समानता से भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, लेंथेनाइड आकुंचन के लिए उत्तरदायी कारक लगभग वही हैं जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है। तो लेंथेनाइड आकुंचन का कारण क्या है? तो लेंथेनाइड आकुंचन के उत्तरदायी कारक लगभग वही हैं जो एक सामान्य संक्रमण श्रेणी के लिए देखा जाता है, तथा समान कारण के लिए उत्तरदायी हैं, अर्थात एक ही समुच्चय के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव। ठीक है, पहला कारण है लेंथेनाइड आकुंचन का कि एक ही समुच्चय के कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर अपूर्ण आवरण प्रभाव, परंतु एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव। ठीक है, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव, एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है। ठीक है, एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक ठीक है एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव जो है एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है, तथा जैसे जैसे एक श्रेणी में नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है, सभी 4f कक्षकों के आकार में नियमित कमी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव एक d इलेक्ट्रॉन द्वारा दूसरे पर आवरण प्रभाव की तुलना में कम होता है, और जैसे जैसे श्रेणी में नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है, सभी 4f कक्षकों के आकार में नियमित कमी होती है। आगे देखें ध्यान से, धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणुक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में समांतर वृद्धि होती है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे धात्विक त्रिज्या में कमी होती है, धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणुक द्रव्यमान में वृद्धि होती है, जिसके कारण इन तत्वों के घनत्वों में समांतर वृद्धि होती है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि टाइटेनियम से कापर तक देखने को मिलती है। ठीक है, तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या में कमी होगी, तो धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणुक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में समानता वृद्धि होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण घनत्व वृद्धि आप टाइटेनियम से कापर तक देख सकते हैं। तो ध्यान से देखें घनत्व के बारे में, जो टाइटेनियम से कापर तक जो है बढ़ती है, देखें यह आपका घनत्व है, यह टाइटेनियम जो है 4.1, और यह घनत्व जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है,
और बढ़कर आप देख रहे हैं यहाँ कापर तक 8.9, यहाँ कापर तक सबसे अधिकतम है, फिर जो है जिंक में आप देख रहे हैं कम हो गया है 7.1। ठीक है, तो धात्विक त्रिज्या में कमी के साथ परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप इन तत्वों के घनत्व में समानता वृद्धि होती है और इस प्रकार का वृद्धि आप टाइटेनियम से कापर तक देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।